सर एक मुझे बात बताओ कि ऐसे मतलब ये काफी डिफरेंट जलेबी, ऐसा क्यों? आपको इसमें क्या डिफरेंट है? तो यहाँ पे हम लोग ट्राई करने आए हैं अमृतसर की बहुत ही ज्यादा फेमस जलेबी, गुरदास राम जलेबी वाले से। बहुत पास है ये शॉप गोल्डन टेम्पल के। इनके पास जलेबी, गुलाब जामुन, मट्ठी, बेसन का लड्डू, पिन्नी, खजूर, बहुत कुछ है ट्राई करने को। ए देसी घी भी बात तल लें? देसी घी की है। सर कितनी पुरानी दुकान है? हाँ 65 years old है और बहुत मानी हुई अमृतसर की शॉप है यहाँ पे। ये एरिया क्या पड़ता है इसको, क्या कहें? हाँ कटरा आलू वाली चौक पर है शॉप। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 9:30 बजे से जलेबी स्टार्ट हो जाती है बननी और काफ़ी भीड़ लगती है यहाँ पर। लाइक दिल्ली में भी इनकी शॉप का नाम बहुत माना हुआ है, मतलब लोग जानते हैं इस शॉप को, एक लेगेसी है। और सारी यहाँ पे मिठाइयाँ देसी घी में ही बनाई जाती हैं। जब से हम आए हैं तब से बना ही रहे हैं सर, तो मतलब काफ़ी एक फेमस आइटम है यहाँ पर ये। तो ट्राई करते हैं गुरदास राम जलेबी वाले से उनकी फेमस जलेबी, और जलेबी की तो मैं दीवानी हूँ ही, तो लेट्स ट्राई। बहुत अमेजिंग है, फॉलो ना। मतलब बेस्ट पार्ट क्या है कि क्रिस्पी है, बट जब बाइट करते हो ना बिल्कुल आपके मुंह में मेल्ट होती है, वो सबसे अच्छा लगा मुझे। और ऐसी जलेबी मैंने तो नहीं खाई, प्योर देसी घी में इसको बना रहे हैं, उसकी वजह से टेस्ट और भी अमेजिंग आ रहा है। यार अमृतसर के खाने की ना बात ही अलग है, इट इज जेन्युइनली अ फूडीज पैराडाइज। सर एक मुझे बात बताओ कि ऐसे मतलब ये काफ़ी डिफरेंट जलेबी, ऐसा क्यों? एक तो बहुत क्रिस्पी थी और दूसरा ये लगा जैसे मुंह में जाकर बिल्कुल मेल्ट हो जा रही थी, मतलब बहुत अच्छा फ्लेवर था। हाँ जी, और आपको आपको कितना टाइम हो गया आप जब से ये जलेबी की शॉप पर हो? आप कौन से जनरेशन हो? सेकेंड जनरेशन। ठीक है ठीक है। और सर और क्या क्या है यहाँ पे फेमस जलेबी के अलावा? ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे हमारी गरम गरम जलेबी तैयार होती है, गुरदास राम जलेबी वाला।